हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज इन इटली। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहा था, बट अभी टाइम मिला मेरे को तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं एक अच्छा टॉपिक के ऊपर जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट तो गाइस चलता है। तो गाइस वीडियो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह है कि जो आप लोग मतलब जो लोग स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, क्या वो इटली को अपना फ्यूचर कंट्री देख सकते हैं लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और भी तरह के वे में कि मतलब अच्छा फ्यूचर है यहाँ पे या नहीं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें ना कि अच्छा फ्यूचर है या नहीं, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको जो मैंने अभी सीखी हैं, जो देखी हैं, लोगों को पर्सनल बातें करके एक्सपीरियंस लिया है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखो द फर्स्ट थिंग, अगर आप इटली एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता इटली से अच्छी कंट्री भी कोई होगी। बहुत अच्छी लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यहाँ की और काफ़ी अच्छा है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी लाइक लो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी हाई है ना। तो अच्छी कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की स्टडी मिल जाती है। तो स्टडी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप स्टडी करने आओ, अपनी बैचलर्स मास्टर्स यहाँ से करो, फिर मूव हो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में लाइक कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो वहाँ मूव हो सकते हो, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपकी फील्ड का अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इटली कुछ लाइक कुछ कोर्सेज के लिए बेस्ट है, मतलब आप अपना बेटर फ्यूचर देख सकते हो। अगर आप उस कोर्स से बिलोंग करते हो तो आप अपना बेटर फ्यूचर देख सकते हो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इटली मोस्टली लाइक टूरिस्ट जो इनकी जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कंट्रीब्यूशन होती है इकोनॉमिकल, तो मोस्टली टूरिस्ट से आती है ना, क्योंकि इटली खुद में बहुत खूबसूरत है तो यहाँ पे लाइक टूरिस्ट का बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से जो हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट की है, जिन्होंने टूरिज़्म का इंडिया से किया है, जो यहाँ आके टूरिज़्म का कोर्स करना चाहते हैं, इटली उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है अच्छे सैलरी पैकेज पे, है ना। तो जैसे और कई लोग हैं जो दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उनके लिए शायद नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने देखा यहाँ पे मोस्टली टूरिज़्म लाइक टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है और उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अनदर। बाकी डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स में अच्छा स्कोप है यहाँ पे, अगर डॉक्टर्स की स्टडी करते हो आप यहाँ पे तो उसका स्कोप है। थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर है बट टाइम के साथ वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि इटली बेटर लाइक आने वाले फ्यूचर के लिए, लाइक तुम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो उस वे में अच्छी नहीं है। लाइक तुम अगर एक अच्छी जॉब करना चाहते हो, एक अच्छी सैलरी पैकेज पे करना चाहते हो और अपनी फील्ड में करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूएसए चले जाओ, अमेरिका चले जाओ या कनाडा चले जाओ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इटली। तो अगर सिर्फ एजुकेशन करके आपको आगे जाना है तो इटली से लाइक बेहतरीन कंट्री नहीं मिलेगी, कम पैसों में अच्छी से अच्छी स्टडी मिलेगी, क्वालिटी स्टडी मिलेगी, जिससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो ना। द बेस्ट थिंग, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मास्टर्स के लिए आते हो इटली, दो साल तो रहना पड़ेगा इटली में। दो साल में काफ़ी कुछ सीखोगे, यहाँ से लैंग्वेज सीखोगे, यहाँ का कल्चर सीखोगे, तो इन फ्यूचर काफ़ी लाइक एक्सपोजर मिलेगा आपको। तो ये मेरा है कि लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हो या कुछ ऐसा कोर्स करके आ रहे हो जो लाइक ऐसा कोर्स करने आ रहे हो जैसे कि डॉक्टर्स का करने आ रहे हो या हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग है, तो स्कोप है, एंड एट द पॉइंट स्कोप है। अगर कुछ कोर्सेज का स्कोप नहीं है, बस स्टडी है यहाँ पे बट स्कोप उतना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर है, तो लैंग्वेज बैरियर होने के कारण वो आप ग्रैप नहीं कर पाते वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं हम जैसे एशियंस के लिए क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बहुत ज़्यादा कम्फर्ट जोन देती है, जिससे हम खुल के अपना लाइक जो हमने स्टडी की है उसको हम शोकेस कर सकते हैं ईजिली, ना। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग थी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मुझे सच में यार आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी मेरे को अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ डालने की। ऐसा होता है कि वीडियो स्टक हो जाती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दो वीडियो पे और मेरे को वीडियोज़ में प्यार मिले, और आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आगे प्लान करना है। तो अगर आप लोगों को कोई लाइक क्यूरीज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो यार, कमेंट करो। आई विल ट्राई कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं
क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि मेरे पास भी कंटेंट नहीं होता, लेकिन आप लोग मेरे को पूछते हो ना, तो वो मेरे को कंटेंट एक मिल जाता है जिससे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी. गॉट इट? तो मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ. तो आई होप ये वीडियो अच्छी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आई होप घर में सब अच्छे होंगे. और दूसरी बात, अगर जिन जिन भाइयों का वीज़ा आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, जल्दी आ जाओ इटली. अगर रोम आते हो तो मिलते हैं, मैसेज करना, मिलेंगे. अच्छा लगा. और जिन लोगों का प्रोसेसिंग में है, उनका भी आ जाएगा वीज़ा जल्दी से जल्दी. और अपना ध्यान रखो, और बाय बाय, टेक केयर, सी या.